इंदौर में जन्मी स्वर कोकिला लता मंगेशकर का मुंबई में इलाज के दौरान निधन हो गया। वहीं लता जी की सुरीली आवाज़ का हर कोई दीवाना है। जहां उनकी जन्मस्थली इंदौर में भी उनकी आवाज़ का एक ऐसा दीवाना है जिसने अपनी दुकान में लता जी की हजारों कैसेट्स का खास कलेक्शन रखा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का इंदौर से गहरा नाता रहा। जहां शहर के सिख मोहल्ले में जन्मी लता मंगेशकर ने अपने बचपन के 7 साल इंदौर में ही गुजारे हैं। पूरी दुनिया के साथ ही इंदौर शहर में भी लता जी की आवाज़ के कई दीवाने हैं। इनमें एक दीवाना तो ऐसा भी है जिसने अपनी दुकान में लता जी के गाए गानों की हज़ारों कैसेट्स का खास कलेक्शन रखा है। वहीं इस दुकान में दिन भर लता जी के गाए गाने ही बजते रहते हैं। भैया लता दीदी का तो बहुत लगाव रहा है, क्योंकि हमारे मोहल्ले की थी लता दीदी। इनको हमने तो नहीं देख पाए थे, हमारे ग्रैंड फादर, हमारे फादर इन लोगों ने इनको देखा था। ये हमारे दुकान पे आया करते थे लता दीदी दुकान का कुछ सामान लेने के लिए। हमारे पास 2000 से ज़्यादा कनेक्शन है इसके। दिन भर हमारी दुकान पे लता मंगेशकर के ही गाने चलते हैं, और देखो अभी भी इन्हीं के ही गाने चल रहे हैं। बहुत दुख हुआ भैया, सुन के बहुत दुख हुआ। हम तो यहीं से श्रद्धांजलि इनको अर्पण करेंगे, मालिक उनकी सदगति करे, अगला जन्म फिर उन्हें इंसान का ही मिले। देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। जहां अब उनके निधन का समाचार सुनते ही पूरा देश शोककुल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर।